उसके लिए एक नई वीडियो लेके। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी एक्टिवा की तरफ और बताते हैं कि आज हम अपनी एक्टिवा में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग हमारी एक्टिवा, तो मैं दिखाता हूँ आज हम लोग ये अपनी पार्किंग लाइट को चेंज करने वाले हैं। जो छोटी वाली होती है वही पार्किंग लाइट होती है, और स्पीडोमीटर की जो येलो कलर की लाइट जलती है स्पीडोमीटर में, वो भी चेंज करने वाले हैं। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है चेंज करना। एक्टिवा में बल्ब लगाने जा रहा हूँ, वो ये दोनों बल्ब हैं। तो ये बल्ब बेसिकली दो तरीके के आते हैं, एक बल्ब होते हैं और एक एलईडी होते हैं। ये बल्ब आपको हार्डली 10 रुपए के पड़ जाएंगे, एलईडी 20 रुपए की पड़ जाएंगी। सो मैं आपको बताता हूँ चल के कि कैसे ये हम अपनी एक्टिवा में लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगाने के लिए हमें सिर्फ ये हुड खोलना होगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा पहले से खुला है। सो अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे खोला जाता है, तो मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी अपनी पिछली वीडियो की, जिसमें मैंने बताया ये और ये वाला हुड कैसे खोला जाता है। तो जाइए उसको चेक कीजिए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि हमें कौन कौन से बल्ब निकालने होते हैं जिससे हम चेंज करेंगे। ये हमें सब अपने जो हेडलाइट होगा उसके बगल वाला स्विच निकालने के लिए ये वाला स्विच को बल्ब को खींचना होगा और ये निकल जाएगा। देखिए कितने आसानी से बल्ब निकल गया है। और स्पीडोमीटर के लिए एक ये वाला और एक अंदर होता है पीछे की साइड, आपको शायद दिख रहा होगा वो बल्ब। तो मैं अपने स्पीडोमीटर में सिर्फ आगे वाला चेंज करूंगा, दो कलर का कॉम्बी रखूंगा मैं। सो हम चलिए आपको इसको हटा के फिर दिखाते हैं आपको क्या करेंगे। मैंने ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब हटा दिया है, और वो अंदर वाला बल्ब जैसा था वैसे ही छोड़ दिया है। तो अब हम इस दोनों में अपने ग्रीन वाले बल्ब लगाएंगे और बताएंगे कि कैसे चेंज करेंगे हम। तो चलिए लगा के आपको दिखाते हैं। दोनों बल्ब फिक्स कर दिए हैं अपनी अपनी जगह पे। ये हमारा पार्किंग स्विच लाइट है और ये हमारा स्पीडोमीटर वाला है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक बार इन्हें चालू करके। हमारा देखिए इग्निशन भी ऑन है और हम अपना स्विच छोटे वाले में ऑन करते हैं। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं ये दोनों बल्ब हमारे चालू हो चुके हैं। तो अब हम अपने वापस एक बार पूरी फिक्स करते हैं, आपको फिर दिखाते हैं हम तब। और अगर आपको ये सीखना है कि बिना गाड़ी को स्टार्ट करे कैसे हमने ये चालू कर दिया है, तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया है, मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, जाइए चेक कीजिए। एक्टिवा वापस से बंद कर दी है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसी मेरी एक्टिवा लग रही है। बल्ब ये लग चुका है, वो दिखता जरूर ब्लू कलर का है लेकिन वो जलता ग्रीन कलर का ही है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको जला के। ये देखिए हमारा बल्ब जल चुका है और ये हमारी बड़ी वाली जल चुकी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा स्पीडोमीटर भी चालू हो गया होगा। तो आइए दिखाता हूँ आपको। वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन अब दिख रहा होगा थोड़ा सा लाइट बंद करने में। एक बार रात में भी दिखा देता हूँ कि इस लाइट जलाने में कैसा लग रहा है, क्लियरिटी अभी भी ऐसी है कि कम ज्यादा हुई। तो चलिए मैं आपको रात का दिखाता हूँ। आप जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है अभी, तो मैं आपको एक्टिवा के पास ले जाता हूँ फिर लाइट जलाता हूँ। तो देखिए मैं एक्टिवा के पास आ गया हूँ और मैंने जला दी है लाइट। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मैं बड़ी भी जला के दिखाता हूँ। ये देखिए मुझे तो वैसे बहुत अच्छी लग रही है, छोटी वाली आप देखिए फिर से। अब मैं आपको स्पीडोमीटर के पास ले जाता हूँ, चलिए। तो मैं लाइट जलाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रहे हैं दो कलर, इसमें कोई क्लियरिटी कम नहीं हुई, जैसी थी वैसी है, मुझे तो बेसिकली बहुत अच्छी लगी है। मैं भी स्कूटी बहुत अच्छी लगी है मुझे बेसिकली। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको कैसी लगी, आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगी और मेरी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी।